आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी को बात बात पर जो मीडिया पप्पू बताता है, क्या उसमें हिम्मत है कि वो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फेकू शब्द का इस्तेमाल करे? मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप के संपादक ने रघुराम राजन का इंटरव्यू करते हुए कितनी आसानी से राहुल गांधी के लिए पॉलिटिकल पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया, मैं आपको बता दूं दोस्तों। ये इंडिया टुडे ग्रुप के एक संपादकों में से एक है, कोई राह चलता दो रुपल्ली भाजपा का ट्रोल नहीं है, गालीबाज ट्रोल नहीं है, कोई छुट भैया रिपोर्टर नहीं है, यह इंडिया टुडे ग्रुप का एक संपादक है। मैं चाहूंगा कि आप 8 सेकंड का एक क्लिप देखें और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। देखिए, विद राहुल गांधी ऑन दैट यात्रा, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग यू एट दिस टाइम हैव हैड दिस इमेज ऑफ राहुल गांधी बीइंग सम काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल पप्पू। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, राहुल गांधी विपक्ष में, जाहिर सी बात है कि आप राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, वो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। और यहां पर आपने देखा कि एक संपादक ने उन्हें पॉलिटिकल पप्पू बता दिया, और ये संपादक एक बहुत बड़े समाचार समूह का है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कभी इसमें हिम्मत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेकू बोलने की? और मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कई वादे किए हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। किसानों की आय दुगनी, सबको घर, सब जगह बिजली, और ना जाने क्या क्या, चीन को लाल आंख, विपक्ष में क्या क्या नहीं कहा था, और अब क्या हो रहा है, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। यानी कि जो बातें कहीं वो उन्होंने पूरी नहीं की। मगर क्या यह संपादक जो यहां राहुल गांधी को पॉलिटिकल पप्पू कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेकू कहने की हिम्मत रखेगा, रखेगा या नहीं, मैं जानना चाहता हूं। आज मैं ये विषय आपके सामने क्यों लेकर आया हूं दोस्तों, ये विषय मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि हमारा मीडिया आज भी सिर्फ विपक्ष से सवाल करता है, सिर्फ विपक्ष से सवाल करता है, वो लड़ाई भी करता है हमारा मीडिया तो प्राइम टाइम में सिर्फ विपक्ष के नेताओं से लड़ाई करते रहता है। उनमें और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में कोई फर्क नहीं है, उल्टा हमारे जो मीडिया के एंकर्स हैं, यानी कि मीडिया के गुल्लू कालू, मीडिया में जो पापा की परियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से भी बेहतर हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रवक्ता के नाम पे कौन है, गौरव भाटिया, संबित पात्रा, माननीय उई उई पुई पुई, प्रेम शुक्ला, ये है उनके प्रवक्ताओं का स्तर। मगर जो मीडिया के गुल्लू और कालू हैं या पापा की परियां हैं, उनसे बेहतर दिखते भी हैं, उनसे बेहतर बोलते भी हैं, और जाहिर सी बात है इन्हें, इनके मन में डर है सत्ता का, इन्हें सरकारी फायदा भी मिलता रहता है। तो जब ये तमाम चीजें होती है ना दोस्तों, तो आप अच्छे से सेवा करते हैं सत्ता की। अगर आप मुझसे कहें क्या मैंने कभी राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल किया है। मगर जब मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका एक राजनीतिक मतलब था। मैं आपको नहीं बता सकता हूं, 2014 से पहले मैं एबीपी न्यूज में था, और एबीपी न्यूज में उस वक्त पहली बार ये दो शब्द सामने आए थे, पप्पू और फेकू। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मैं नहीं भूला हूं कि एबीपी न्यूज में उस वक्त पप्पू बनाम फेकू पर डिबेट हुआ था, मगर हम यह ना भूलें उस वक्त राहुल गांधी सत्ता में थे, यानी कि मेरे चैनल ने उस वक्त जो सत्ता में है उसके लिए उस शब्द का इस्तेमाल करने की हिम्मत की थी। मगर यह पत्रकार पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में फेकू शब्द तो बहुत दूर की बात है, ये लोग प्रधानमंत्री से सीधे सवाल भी नहीं कर सकते। जिस पत्रकार को मैंने आपको बताया, ये वो पत्रकार हैं या ये उन पत्रकारों की फेहरिस्त में शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की खुल के सेवा करते हैं। प्राइम टाइम में ये लोग कभी भी मुश्किल सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं करते हैं। उल्टा मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं इसी चैनल की, आपकी स्क्रीन पर ये है अमित मालवीय। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम जो झूठ का प्रचार प्रसार का जिम्मा इसी का है। एक बार इंडिया टुडे की ही एक डिबेट में यह आदमी राजदीप सरदेसाई के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा था, अनर्गल बातें कर रहा था, यहां तक कि उसने एक बार राजदीप सरदेसाई की तुलना एक आतंकवादी से कर दी थी। मगर आप जानते हैं वो आदमी प्राइम टाइम में आके
ये सब बोल रहा था राजदीप सरदेसाई के बारे में। साथ में इंडिया टुडे के तमाम पत्रकार बैठे हुए थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं हुई अमित मालवीय जैसे छुटभैया नेता को यह बतलाने की कि आप हमारे सहयोगी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। ये लोग इस कदर डरपोक हैं, ये लोग इस कदर जो है डरे हुए हैं, क्योंकि गोदी मीडिया का क्या काम है दोस्तों? गोदी मीडिया के सिर्फ दो काम है। पहला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा, बीजेपी की सेवा, और उसके जरिए विपक्ष को गाली, और दूसरा काम समाज के अंदर जहर और अराजकता फैलाएं। इसके अलावा कुछ नहीं, आप उनके तमाम डिबेट्स को देख सकते हैं, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। मगर दोस्तों बात सिर्फ पप्पू और फेकू की नहीं है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ एक घंटे के लिए दिल्ली में रोड शो करते हैं और देखिए किस तरह से पापा की परियां रिपब्लिक की मैदान में उतर गए पापा की सेवा करने के लिए। फिर देखिए मीडिया के तमाम गुल्लू और कालू कवरेज देखिए, सिर्फ एक घंटे का रोड शो प्रधानमंत्री का, और कवरेज देखिए तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स में। और दूसरी तरफ राहुल गांधी करीब 3000 किलोमीटर चल चुके हैं। उस खबर के राजनीतिक मायने भी हैं कि विपक्ष का एक बड़ा नेता 3000 किलोमीटर चल रहा है, उसकी जान को भी खतरा है। खुद सरकार कह रही है कि जोखिम भरा काम है, खुद सरकार ये बात कह रही है। और उस यात्रा के दौरान क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार उनके खिलाफ झूठ कहा, उसका पर्दाफाश भी हुआ। और इस झूठ को फैलाने का काम किसने किया? मीडिया ने किया, भाजपा के प्रचार तंत्र ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक घंटे के लिए दिल्ली की सड़क पर उतरते हैं और मोदी मैं हो जाता है पूरा न्यूज चैनल, मगर राहुल गांधी 3000 किलोमीटर चल चुके हैं, कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको एक मिनट भी प्राइम टाइम में नहीं दिखाया जाता, उल्टा उसका मजाक बनाया जाता है, उसे देशद्रोही तक करार दिया जाता है। याद कीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा था पत्रकारों से। एक पत्रकार ने पंजाब में उनसे सवाल पूछा था कि राहुल जी अगर आप सत्ता में आ गए, आप प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या आप मीडिया की वही हालत करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने की है? तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम मीडिया को अपना गुलाम, मीडिया पर अंकुश डाल सकें। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, थोड़ी लंबी बात उन्होंने कही है, मगर चाहूंगा आप उसे सुने। जो मीडिया का स्ट्रक्चर है उसकी मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी है, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी है। मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को, मतलब जैसे आपने कहा अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी जितना। तो हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, फेयर मीडिया चाहते हैं, और जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैंने अपने भाषण में कहा था, जब कोई जेब कतरा आता है तो अकेला नहीं आता, दो तीन लोग आते हैं, एक ध्यान को उधर ले जाता है और फिर जेब काटी जाती है। तो इनएडवर्टेंटली वो आप रोल प्ले कर रहे हो, आप लोग नहीं बट आपका जो स्ट्रक्चर है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो, आप लोग कहते हो देखो हिंदू मुस्लिम, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, बॉलीवुड, तेंदुलकर, उधर देखो, और इधर मतलब किसान की लूट हो रही है, छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो आपका रोल डिस्ट्रैक्शन का रोल है, आपका रोल वॉचडॉग का रोल होना चाहिए। राहुल गांधी अपने तमाम भाषणों में मीडिया से नाराज भी दिखते हैं और उसकी वजह भी साफ है। आप मुझे बताइए ना, 2014 से पहले जो हमने पत्रकारिता की थी, उस पत्रकारिता में हम भारतीय जनता पार्टी को गाली नहीं देते थे, हम सत्ता में बैठी कांग्रेस से सवाल उठाते थे, और आप मेरी पत्रकारिता को उससे पहले से जानते हैं। मैंने आपको कई बार मिसाल दी है कि किस तरह से मैंने कांग्रेस के ताकतवर मंत्रियों को उंगली दिखा दिखा के सवाल किए हैं।
लालू यादव कितने ताकतवर थे, उनसे सवाल किए। सलमान खुर्शीद कितने ताकतवर थे, उनसे सवाल किए। मनमोहन सिंह से सवाल किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। खैर, मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो करते थे, हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं। तो ये सब हमने बतौर पत्रकार 2014 से पहले किया है, मगर 2014 के बाद ये सब बंद हो गया। उसके बाद जो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करे या प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करे तो बीजेपी क्या कहने लगती है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आप देशद्रोही हो। यहां तक कि मैं आपको अमित शाह का एक बयान सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के एक समारोह में कहा था। उन्होंने कहा कि जब पत्रकार की विचारधारा हो जाती है तो वो पत्रकार नहीं रहता है, वो एक्टिविस्ट बन जाता है। पहले मैं चाहूंगा आप अमित शाह की बात सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए, शासन किसी का भी हो, अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। आइडियोलॉजी सरकार की कोई भी हो, परिणाम जो आए हैं इसको स्वीकारने की अगर खुलापन नहीं है तो हम पत्रकारिता का काम नहीं कर रहे हैं, हम एक एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं। एक्टिविस्ट पत्रकार नहीं हो सकता, पत्रकार एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। ये दोनों अलग धर्म है, दोनों अलग काम है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, परंतु दोनों एक दूसरे का काम करने लगेंगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ होगा, आजकल बहुत दिखाई पड़ता है। इसलिए मैंने एक नुकचेती करकर बात को मैं छोड़ देता हूं। अमित शाह जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, आप ही के कार्यकाल में जो मीडिया सरकार से सवाल करता है उसके खिलाफ इनकम टैक्स की रेड्स मारी जाती हैं, ईडी की रेड्स मारी जाती हैं। अगर कुछ देर के लिए मैं विश्वास भी कर लूं कि ये पत्रकार वामपंथी हैं या कांग्रेसी हैं, तो झूठे केसेस उनके खिलाफ शुरू करने का हक आपको किसने दिया, उन्हें परेशान करने का हक आपको किसने दिया, बताइए। सबसे बड़ी बात है आपने माहौल ऐसा बना दिया है अमित जी जिसके अंतर्गत कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता, और जैसे मैंने कहा जैसे ही कोई आपसे सवाल करता है आप उसे परेशान करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त आपका पूरा मुख्य धारा का मीडिया है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में इंडिया टुडे का वो संपादक आपको दिखाया, पूरे मीडिया में इसी के जैसे पत्रकार भरे पड़े हैं। आप मुझे बताइए ना, तमाम न्यूज चैनल्स में मुझे बताइए कोई एक पत्रकार जो बेखौफ होकर सत्ता से सवाल करता है, क्योंकि जो भी ऐसा पत्रकार होता है आप उसके लिए ऐसे हालात बना देते हैं कि उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है या फिर आप उसे निकाल देते हैं। और सिर्फ न्यूज चैनल्स की बात नहीं है, अखबारों में भी ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां जिन पत्रकारों ने सत्ता से सवाल किए उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया गया। ढेरों ऐसे मिसालें मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, बॉबी घोष हो, पौरंजय गुहा ठाकुरता हो, रोहिणी सिंह हो, तमाम पत्रकारों के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है। और ये अखबारों का हाल है दोस्तों, यानी कि हमारे अखबार और हमारे न्यूज चैनल कहीं पर भी ऐसे कोई पत्रकार नहीं है जो बेखौफ होकर सत्ता से सवाल करें। और आप अमित शाह जी क्या कहते हैं, आप अमित शाह जी ये कहते हैं कि पत्रकार की कोई विचारधारा नहीं होनी चाहिए, उसे एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, आप सत्ता से आंखों में आंख डालकर सवाल करने वाले पत्रकारों को परेशान क्यों करते हैं, बताइए क्यों परेशान करते हैं, क्यों पेगासस का इस्तेमाल, क्यों उनकी जासूसी, क्यों झूठे इनकम टैक्स केसेस, क्यों ईडी के जरिए उनके दफ्तरों पर रेड, उन्हें परेशान करना, इसके बारे में आपका क्या कहना बताइए ना। क्योंकि आपको अमित जी इंडिया टुडे का वही संपादक चाहिए, आपको मीडिया के वही गुल्लू और कालू चाहिए, आपको पापा की वही परियां चाहिए जो आपकी 24 घंटे वंदना करते रहे, उसके अलावा कुछ नहीं। आप अभिसार शर्मा को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि मैं तथ्यों से आप पर सवाल करता हूं जिनका जवाब आपके पास नहीं। इसलिए मैं आज आपसे फिर अपील करना चाहूंगा इस मंच के जरिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आमने सामने बैठते हैं सर, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है मेरा यह संदेश आप तक पहुंचेगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।